पहले तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती क्या है, कोई घटना कितनी बार घटित होगी, यह उसके होने की प्रायिकता कहलाती है। यानी अगर ई कोई घटना हो तो इस घटना की प्रायिकता को इस तरह से दर्शाया जाएगा, पीई बराबर कितनी बार वो घटना घटित हुई बटा घटनाओं के हो सकने की कुल संख्या। जब कोई घटना दो ही बार घट सकती हो, जैसे कि सिक्का उछालने पर हमें या तो चित्र मिल सकता है या पट, तो ऐसे में अगर हम एक घटना को ई से दर्शाते हैं तो जो घटना नहीं घटी यानी ई नहीं है उसको ई के ऊपर ओवरहेड बार खींचकर दर्शाते हैं और इस ई बार को घटना ई का पूरक कहेंगे। दो प्रायिकताओं यानी पीई और पी नॉट ई का योग एक होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं रॉयल क्लब के मैच जीतने की प्रायिकता 0.6 है, तो रॉयल क्लब के मैच न जीतने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ उनके मैच न जीतने की प्रायिकता होगी 1 × 0.6 = 0.4। यानी रॉयल क्लब के मैच न जीतने की प्रायिकता निकलकर आई 0.4। यह याद रखने वाली बात है कि हमारे पास सिर्फ दो ही प्रायिकताएं हैं, या तो रॉयल क्लब मैच जीतेगा या वो उसे हार जाएगा, और यहां हम ये मानकर नहीं चल रहे हैं कि ये मैच बराबरी पर आकर भी खत्म हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।